हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 13th of June 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च SMB सारथी उत्सव टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज व्हाट्सएप। ओके, तो यहाँ पर व्हाट्सएप ने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो देखो क्या है ना कि अभी COVID-19 देखो हर चीज़ को इफेक्ट कर रहा है। तो जितने भी स्मॉल बिजनेसेस थे जो कि डाउनटाउन या फिर गांव या फिर लाइक गांव के लेवल पे जितना भी बिजनेसेस था वो कहीं ना कहीं बंद हो चुका था। तो उसको रिवाइव करने का काम भी व्हाट्सएप करेगा। आप लोगों को पता है कि भाई व्हाट्सएप के दो एप्लीकेशन मेन है, पहला है व्हाट्सएप एंड देन व्हाट्सएप बिजनेस। तो व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू यहाँ पे इस सब कामों को करने की बताया गया। और साथ ही में यहाँ पे बताया गया कि भाई वन ऑन वन डिजिटल ट्रेनिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, वन ऑन वन डिजिटल ट्रेनिंग जिसके थ्रू उन्हें पता चलेगा कि भाई आप डिजिटली आप अपने पर्टिकुलर बिजनेस को आप कैसे स्प्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट एक्रीडेशन बॉडी टू हैव इट्स ऑफिस स्पेस इन मेटावर्स। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज बी विच इज़ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इसको हमने पॉलीवर्सिटी बोला है। इट्स पॉली VERSITY। ओके, तो इसको हमने पॉलीवर्सिटी बोला है और ये फर्स्ट बना है ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसका मेटावर्स में ऑफिस है। इसके थ्रू यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है। और किसने इसको लॉन्च किया है? हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया है। इसमें इन्होंने बोला है भाई पर्टिकुलर AICTE ने दैट हम लोग 5 लाख स्टूडेंट को 5K लिख दिया मैंने, इट्स 5 लाख स्टूडेंट को हम लोग यहाँ पे ब्लॉकचेन 3.0 में मतलब ऐड करेंगे और उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा साथ में, या फिर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। किस चीज़ के ऊपर? टेक्निकल एजुकेशन। ओके, साथ ही में यहाँ पे 100 और भी अलग अलग अकेडमिक्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है सो दैट कि और भी जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ पाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। ओके, तो काफ़ी ही मतलब गजब, मतलब काफ़ी बेस्ट यहाँ पे इस चीज़ को लॉन्च किया गया, काफ़ी मस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बीन नेम्ड द सीजन एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश काउंसिल इंडिया UK टुगेदर 2022 अ ब्रिटिश सीजन ऑफ कल्चर। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज बी विच इज़ AR रहमान। तो AR रहमान के बारे में सबको पता है, ही इज़ अ म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर और साथ में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला है और भाई मतलब दिलों के तारा है, मतलब सब कुछ मतलब समझो कि बेस्ट है इनके बारे में। ओके, तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे 75 एनिवर्सरी है इंडिया की, मतलब 75th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस की है और साथ में हमने यहाँ पे इंडिया एंड UK यहाँ पे दिया हुआ है। इनका सीधा सीन था कि भाई हम इनके साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं एंड मेनली यहाँ पे बायलेटरल रिलेशन जो है दोनों नेशंस के साथ उनको मजबूत और भी हम इतना करने वाले हैं। साथ ही में यहाँ पे 1400 भी मतलब 1400 आर्टिशंस बुलाए जाएंगे इंडिया और UK से और वहाँ पे भाई मतलब सिंगिंग, डांसिंग, शोकेसिंग, देयर टैलेंट शोइंग कॉम्पिटिशन सब कुछ होने वाला है। तो काफ़ी सही है, यहाँ पे ब्रिटिश और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वो आज का नहीं है, वो भाई काफ़ी पुराना है। जब पहला यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में, उस टाइम से हमारा रिलेशन है और हम इसको ख़राब अब तो बिल्कुल नहीं करना चाहते बिकॉज अब भाई टक्कर दे सकते हैं ब्रिटिश इसको भी, ठीक है, आराम से UK को दे सकते हैं और UK भी नहीं चाहेगा कि भाई उनकी जो रिलेशनशिप है वो इंडिया के साथ ख़राब हो बिकॉज इंडिया अभी हर चीज़ में बढ़िया है। ओके, टॉप 10 इकोनॉमीज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द ग्रीन ओपन एक्सेस रूल 2022। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज बी विच इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया है। ये बेसिकली ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल 2022 है। बेसिकली इस चीज़ यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं किसके ऊपर? ग्रीन एनर्जी को जनरेट करने के ऊपर, परचेज और कंजम्पशन। यहाँ पे बोला गया है कि भाई कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी प्रोडक्शन कर सकते हो, आप अपने हिसाब से आपका जितना भी लिमिट है आप उसको प्रोड्यूस करो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जितना मतलब यहाँ पे यूनिट्स ऑफ इंस्टॉल करने हैं, मतलब जो भी यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है आपको करिए। पेपर वर्क में यहाँ पे बोल दिया कि भाई 15 दिन से ज़्यादा आपको मिलने वाले नहीं है, लाइक 15 दिन में आपका जितना भी पेपर वर्क होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। और प्रोडक्शन यहाँ पे आपको करना है ग्रीन हाइड्रोजन, साथ ही में मतलब ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया के प्लांट्स भी आपको लगाना है ताकि हम हर जगह बैलेंस करके चले और हर जगह ग्रीन ही ग्रीन हो और फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंसी है उसको हम लोग एकदम से खत्म करना चाहते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, 2070 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया भाई नेट जीरो इमिशन बनना चाहता है 2020 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ समिट ऑफ द अमेरिकाज 2022। राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज सी विच इज़ लॉस एंजलिस। इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, ये याद रखो कि यहाँ पे 9th एडिशन था। बेसिकली ने यहाँ पे बात किया है रोड्स के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर और यहाँ पे जितना भी जो ट्रैफिक लगता है और ट्रैफिक की वजह से जितना भी पॉल्यूशन होता है उन सब चीज़ों को यहाँ पे रोकने की बात की गई। इवन एयर ट्रैफिक भी होता है, लाइक एयरपोर्ट जो एरोप्लेन्स हवा में चलती हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक रहती हैं और रोड पर तो भाई पूछना ही नहीं है। तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी, रेजिलिएंट, इक्वलिटी, फ्यूचर फॉर आर पीपल, यहाँ पे जो भी यहाँ पे वो काम कर रहे हैं बोल रहे हैं कि हम अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। हम क्या किसके लिए कर रहे हैं फिर? हम भी तो अपने लोगों के लिए कर रहे हैं।
लोग हैं तो देश है, देश है तो लोग है, ओके सीधा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डॉक्यूमेंट्री हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस गोल्डन कॉन्च अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म एट MIFF 2022। राइट आंसर ऑफ सिक्स इज डी विच इज टर्न योर बॉडी टू द सन। तो बेसिकली ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट लाइक काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्री है, और ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री है वो ये एक सोवियट प्रिजनर वॉर ऑफ प्रिजनर है, उसको कैप्चर कर लेते हैं बाय नाजी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, उसके ऊपर है। तो वहाँ पर भाई उसने कैसे कैसे सर्वाइव मतलब कैसे वहाँ पर जिंदगी थी, डायरीज उसकी मिली, उसकी डॉटर ने कैसे उसको फाइंड वाइंड की, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया। काफ़ी ही अच्छे तरीके से इसको मतलब फिल्म किया हुआ है काफ़ी सही तरीके से, और इफ़ यू गेट टाइम आफ्टर एग्जाम गो एंड वॉच इट, मिल जाएगा आपको आई थिंक यूट्यूब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज होस्टिंग द बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022। राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज ए विच इज इजिप्ट। ओके तो यहाँ पे हुआ था COP 27, COP 27 होने वाला है, COP, ओके बेटा सेकंड, COP 27 जो है वो नवंबर 2022 में यहाँ पे होगा, कहाँ पे, इजिप्ट में। ओके और ये जो चीज़ है वो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे हुआ है ना, ये वाला बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये भी इजिप्ट में भी हुआ है। ओके यहाँ पे COVID-19 के बारे में सबको पता होगा अभी, यहाँ पे उसकी वजह से हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो यहाँ पे ये सीधा बोला गया है कि भाई जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनको हम लोग एक साथ लेके चलेंगे, वाई बिकॉज कोविड ने दोनों को प्रॉब्लम दिया है। लेकिन अभी मेन यहाँ पे है, मेन इंश्योरेंस है कि भाई जो हमारे लोग हैं उनकी हेल्थ, उनकी वेलबींग, उनका उनका डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोला गया भाई क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकना है और हमें ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करना है। तो आपको मतलब अभी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन या फिर कुछ भी होगा तो वहाँ पे आपको क्लाइमेट चेंज ही मिलेगा मैक्सिमम टाइम में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रमोट बाय द रबर बोर्ड दैट विल गो लाइव। सो राइट आंसर ऑफ एट इज ए विच इज एम रबर। ओके सॉरी एम रब। तो ये बेसिकली एक लाइक कह सकते हो कि एक स्टार्ट ये मतलब इन्होंने 8 जून को इसको लॉन्च किया था। ओके और उस दिन से इसको स्टार्ट किया है। ये एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है आई सोर्सिंग टेक्नोलॉजीज़। इसने इस चीज़ को डेवलप किया काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इनका जो भाई बोला कि भाई यहाँ दिस इज़ अ गेम चेंजर, ये जो है पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ये गेम चेंजर है किस चीज़ में, रबर के बिजनेस में। और यहाँ पे बोला गया कि भाई हम एक रबर मेकिंग सिस्टम भी बनाएंगे, और अभी ये उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, बट बोला गया भाई जितने भी बग्स इसमें आ रहे हैं उन सबको हम यहाँ पे ठीक करेंगे। ओके साथ ही में इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है इस पर्टिकुलर एम रब के, इट्स के एन राघवन। ओके तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, ये मैन्युफैक्चरर को हेल्प करेगा, सेलर को हेल्प करेगा, बायर, प्रोसेसर और जितने भी यहाँ पे मान लो कि इस पर्टिकुलर जगह पे होता है रबर की प्रोडक्शन, तो और जितने भी दूर दूर के लोग हैं उस चीज़ वो लोग भी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को एक्सेस करके यहाँ पे आके रबर की प्रोडक्शन वगैरह जो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर किसी भी चीज़ का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन जाता है ना तो वो लाखों लोगों की जगह पर करोड़ों लोगों तक वो पहुँच जाता है। ओके ये काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी बेस्ट तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अवार्डेड बाय द UICISRA इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट यूज़ ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी फॉर फीडिंग सोलर एनर्जी डायरेक्ट टू द 25 kV AC ट्रांजिशन सिस्टम। राइट आंसर ऑफ नाइन्थ इज डी विच इज इंटरनेशनल इंडियन रेलवे। तो ये पर्टिकुलर जो प्लेट ये जो अवार्ड है वो इंडियन रेलवे को मिला है। ISRA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड। ओके और ये इंडियन रेलवे को मिला है। ओके यहाँ पे मेन ये है कि भाई जो हम इंडियन जो पूरा जो इंडिया का जो पूरा रेलवे है, आपने देखा होगा कि भाई सारी की सारी जो ट्रेन चलती हैं वो अब इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी हैं। अब मतलब रेयरली ऐसे केसेस में हमें देखने को मिलता है कि भाई डीजल के ऊपर चल रही है या कोल के ऊपर चल रही है। तो इंडिया का भाई सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर रेलवे सेक्टर में देखा जाए तो वो यही है कि भाई उन्होंने पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, और इलेक्ट्रिफिकेशन से क्या होता है, जीरो कार्बन प्रोडक्शन। तो इसीलिए हमें इंडियन रेलवे को हमारे बेस्ट यूज़ ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे अवार्ड मिला है। साथ में यहाँ पे सोलर एनर्जी डायरेक्टली भाई KV ट्रांजेक्शन सिस्टम जो AC में लगता है वो छत पे वहाँ पे लगाएंगे और AC को पावर मिलेगा वगैरह वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन बेस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ ही में यहाँ पे लाइक सोलर एनर्जी के भाई ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है, जा ही रहा है। रेलवे क्या है, रेलवे जो हमारा है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है फॉर बल्क ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कि भाई करोड़ों लोग एक ही बार में काफ़ी मतलब लाइक ऑल ओवर इंडिया में करोड़ों लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं और उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। साथ ही में यहाँ पर और भी मतलब कुछ कुछ बताया गया कि भाई LED बल्ब हमने लगाए हुए हैं अपने ट्रेन में, CNG के भाई मतलब कोल की जगह पर हम CNG का भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी हर ट्रेन में आपने देखा होगा बायो टॉयलेट्स, इसको भी हमने यूज़ किया। ऑलमोस्ट सभी ट्रेनों में हमने एक ही बार मतलब चेंज कर दिया, काफ़ी मतलब सही तरीके से काम हो रहा है इंडियन रेलवे में भी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिया रैंक ऑन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। राइट आंसर ऑफ टेंथ इज बी विच इज 180। यहाँ पे टोटल 180 कंट्रीज होते हैं और हम लोग 180 पे आए, तो इंडिया का एक सिंपल सा जवाब आया, वी डोंट बिलीव इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स बिकॉज द डेटा दैट यू हैव टेकन इज नॉट वर्किंग ऑन अस।
बोला कि आपका ख़राब है भाई, हम लोगों ने इतना सही सही तरीके से चीज़ें कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कि भाई हमने इन्वायरमेंट के लिए मतलब परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम लोग एकदम जीरो आ रहे हैं, तो फिर दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इंडिया ने नकार दिया भाई, हम लोग इसको मानते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। राइट आंसर ऑफ 11 से सी विच इज़ ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। यहाँ पे एम लगाता नहीं कोई, लेकिन मैंने लगाया तो आप समझ जाओ ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एविएशन है और इन्होंने ही मतलब ऑपरेशन गंगा भी लॉन्च किया था, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। एंड साथ ही में इसको यहाँ पे नाम दिया गया है NASP 2022, मतलब वही है नेशनल एयर सपोर्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। और यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे बताया गया कि भाई अगले साल तक यानी कि 2023 तक, ये गलती हो गया कल, 2023 तक बेसिकली हम लोग जो है वो इंडिया को वन ऑफ द टॉप नेशंस नेशन में बना लेंगे जो कि हर स्पोर्ट्स खेलता हो। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि भाई हम लोग एयर स्पोर्ट्स भी खेलेंगे। और एयर स्पोर्ट्स क्या होता है कि लाइक यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता होगा बलूनिंग, ड्रोन, इसके अलावा पावर ग्लाइडिंग, पैराशूट, स्काई डाइविंग, रोटर क्राफ्ट, ये सारी चीज़ जो है वो स्पोर्ट्स एयर स्पोर्ट्स में आता है। साथ ही में यहाँ पे बोला गया दैट वी हैव अ ह्यूज ज्योग्राफी एंड एक्सपेंशन, साथ में फेवरेबल वेदर भी है हमारा जिसके कारण हम लोग एयर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे सेफ्टी के ऊपर बोला गया, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इंजॉयबिलिटी एंड सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से बात की गई है। काफ़ी ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी एक बड़ा स्टेप लिया गया और मतलब जब मैंने सुना तो भाई मैं लाइक आई वॉज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक स्लैश ग्रोथ एस्टिमेट फॉर ग्लोबल इकोनॉमी इन हाउ मच परसेंट। तो राइट आंसर ऑफ 12th इज ए विच इज 2.9%। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता होगा कि भाई यहाँ पे तीन चार चीज़ें हैं जो थोड़ी काफ़ी मतलब पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को भाई मतलब प्रॉब्लम आई थी। पहला COVID-19, इसके कारण तो भाई मतलब समझ जाओ कि कुछ कंट्रीज जो थी वो रिसेशन में चली गई थी। इसके अलावा रशिया यूक्रेन का वॉर, भाई मतलब पूरा सप्लाई चेंज ही मतलब प्रॉब्लम आ गई थी, हर जगह हर ना कोई कोई प्रॉब्लम आ रहा था। और रिसेंटली यहाँ पे चाइना में मतलब एकदम फ्रेश लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उसके कारण भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि चाइना एक काफ़ी बड़ा हब है मैन्युफैक्चरिंग का, वहाँ से हर कुछ ना कुछ तो आता ही है हर कंट्री में, वो हर जगह अपनी मतलब ट्रेडिंग कर रखा है हर सबके हर कंट्री के साथ। तो अगर जब वहाँ मतलब वहाँ कुछ काम नहीं होगा तो पूरे ग्लोब को फ़र्क पड़ता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से भाई 2022 से ही हम लोग मतलब 2020 से ही हम लोग मतलब काफ़ी मतलब थोड़ा पीछे होते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ई बुक लॉन्च बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। राइट आंसर ऑफ 13th इज बी विच इज प्रतिध्वनि। ओके, तो यहाँ पे ये किसने रिलीज किया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस कौन है हमारे स्टेट ऑफ फाइनेंस, ओके, डॉक्टर भगवत किशन राव। ओके, इन्होंने इस चीज़ भगवत किशन राव जी ने इस चीज़ को रिलीज़ किया। इन्होंने बोला भाई भाई कि मतलब जो इस भी हमारा हफ्ता चल रहा है अभी इस वाला, ये एक आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन है किसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए। इसी के साथ ही में किसके अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव के में भी मतलब जो है उसमें भी हमारा मतलब काफ़ी अच्छा खासा काम हो रहा है किसमें, फाइनेंशियल सेक्टर में। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए ही इस पर्टिकुलर ई बुक को निकाला गया है और शायद इसमें काफ़ी काफ़ी अच्छी बुक है। ओके, आप पढ़ सकते हो जैसी मतलब इसकी रेटिंग्स वगैरह भी सही चल रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर विद मुथूट फाइनेंस टू ऑफर गोल्ड लोन्स ऑन इट्स ऐप। सो राइट आंसर ऑफ 14th इज ए विच इज एयरटेल पेमेंट बैंक। ओके, तो बेसिकली एयरटेल पेमेंट बैंक पे नहीं हुआ है, यहाँ पे है एयरटेल थैंक्स ऐप, मे बी शायद दोनों सेम हो या फिर अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हुआ है। तो बेसिकली ये जो है वहाँ पे गोल्ड लोन को प्रोवाइड करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मुथूट फाइनेंस ने यहाँ पे टाइप किया। बोला गया कि भाई जब आप कोई भी यहाँ पे गोल्ड लोगे तो आपको यहाँ पे जीरो ट्रांजेक्शन फीस या फिर जीरो प्रोसेसिंग फीस आपको पे करना पड़ेगा। ओके, प्रोसेसिंग, जीरो प्रोसेसिंग फी आपको पे करना होगा, लाइक जीरो ही होगा, मतलब कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और एक हसल फ्री गोल्ड लोन आप इजीली ले सकते हो, आपको कोई मतलब ऐसा नहीं कि भाई लाइन लगाना पड़ रहा है, फॉर्म भरना पड़ रहा है, ये वो अनशन कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ अप्लाई करना, आपको गोल्ड मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। और कहीं कहीं पे लिखा होता है कि आपको 50,000 से अबव तक का मिल सकता है और कहीं कहीं पे लिखा होता है कि आपको 5 लाख तक से भी ऊपर का मिल सकता है। बट मोर मतलब क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पे 50K से अबव आपको लोन मिल जाएगा ताकि आप उसके अलावा गोल्ड ले सकते हो। तो काफ़ी इजी हो जाता है जब आप ऑनलाइन, देखो यहाँ पे पेटीएम में भी एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है गोल्ड लोन, गोल्ड खरीदने का सीधा वहाँ पे रहता है गोल्ड खरीदो, लेकिन ये लोन की बात की जा रही है कि आप लोन ले सकते हो उसके बाद फिर गोल्ड खरीद सकते हो। तो सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेस एजेंसी इज सेट टू लॉन्च अ मिशन कॉल्ड डाविंची मिशन। राइट आंसर ऑफ 15th इज डी विच इज नासा। तो बेसिकली डाविंची मिशन है जिसको आप कह सकते हो वीनस मिशन। तो हम लोग यहाँ मतलब नासा वाले जो हैं वो बेसिकली वीनस के एटमॉस्फेयर के ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन के ऊपर सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। साथ में आपको एक जो इसका फुल फॉर्म क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, इट्स डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। इसका बेसिकली ये पूरा फुल फॉर्म था
और सिंपल है कि टू स्टडी वीनस, ओके। और ये फर्स्ट अभी मतलब ये पहला कोई ऐसा मिशन है जो वीनस के ऊपर जाके काम होगा, ओके। तो काफ़ी सही है, आप याद रखिएगा कि जो डाविंची है, डाविंची को हम लोग मिशन भेज रहे हैं किसके लिए, वीनस की स्टडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टैश फिन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड लाइफ बाउंडलेस एज अ क्रेडिट लाइन कार्ड फॉर होम्स। राइट आंसर ऑफ 16 से सी विच इज वुमेन्स। सो ये बेसिकली वुमेन्स के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इस कार्ड का पर्टिकुलर एम होगा कि जो हमारी वुमेन्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनको फाइनेंशियली फ्रीडम, मतलब ग्रेटर फाइनेंशियली फ्रीडम यहाँ पे बना दिया जाए। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर कार्ड के ऊपर काफ़ी सारे कैशबैक्स, रिवॉर्ड मिलेंगे, वेलकम क्रेडिट मिलेगा, और एटीएम, फ्री एटीएम विड्रॉल एंड डील्स भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा है। साथ में ये एक इंडियन क्रेडिट कार्ड, जो अगर हमारा, अगर हम बात करें इंडियन क्रेडिट कार्ड सिस्टम की, तो यहाँ पे कुछ आंकड़े दूंगा। वाई? बिकॉज जो सीसी का जो प्रयोग है, यानी कि क्रेडिट कार्ड का जो प्रयोग है, वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा डेटा देने वाला हूँ। 2018 की बात करें तो यहाँ पे 37.5 मिलियन यूज़र थे किसी भी क्रेडिट कार्ड के। उसके अलावा 2020 में ये बढ़ करके 57.7 मिलियन हो गया यहाँ पे, 57.7, और 2021 में 60 मिलियन यूज़र्स आ चुके हैं। तो इसमें यहाँ पे लोगों को बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी क्रेडिट कार्ड यहाँ पे है इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दें कि भाई अगर इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं तो इसके कुछ रिस्क भी होते हैं, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे दिया जाए। साथ में आप इसको वर्चुअली, साथ में फिजिकल कार्ड भी, दोनों में आप यूज़ कर सकते हो। किस चीज़ में? ट्रैवलिंग, टिकट बुकिंग एंड क्या होता है वो, रेस्टोरेंट, हाँ रेस्टोरेंट, ये सब चीज़ों में आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, ब्रेन विच सॉरी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज बींग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राइट आंसर ऑफ 17 इज डी विच इज जून 8। तो बेसिकली यहाँ पे अवेयरनेस फैलाया जाता है ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड। यहाँ पे क्या है ना कि ट्यूमर क्या होता है, स्पेशली ब्रेन ट्यूमर, तो यहाँ पे क्या है ना कि ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल इज इन योर ब्रेन इज कॉल्ड ट्यूमर। ट्यूमर दो तरीके के होते हैं, एक नॉन कैंसरस एंड सेकेंड इज कैंसरस। तो अगर दोनों ही हैं तो आपको दोनों ही हटा देना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर्टिकुलर डे को हम लोग 2000 से ही इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, फिर ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। साथ ही मैं एक चीज़ में और यहाँ पे आपको एक डेटा देना चाहूँगा जिसमें बताया जाता है कि भाई 500 न्यू केसेस रोज़ के आते हैं, हर दिन आते हैं 500 न्यू केसेज ऑफ ब्रेन ट्यूमर। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि इस डे को हम इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं सो दैट वी कैन गिव ट्रिब्यूट टू दोज पेशेंट जिनके पास, जिनका ब्रेन ट्यूमर था, उनकी फैमिलीज़ को, और साथ ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रोफेशनल्स को, जिनकी वजह से अभी के टाइम पे करोड़ों लोगों ने लाइक ब्रेन ट्यूमर से छुटकारा पाया। तो इन सब के लिए ये पर्टिकुलर वर्ल्ड ब्रेन डे, ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं, ओके, सेलिब्रेट करते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कायावर्स इज इंडियाज फर्स्ट एवर मेटावर्स विथ रिगार्ड टू वॉट? राइट आंसर ऑफ 18 इज सी विच इज़ बैंकिंग। तो बेसिकली यहाँ पे बैंकिंग के ऊपर ही किया गया है, और ये फर्स्ट एवर मेटावर्स है जिसने इनेबल किया किस चीज़ के ऊपर, कस्टमर वेरियस बैंकिंग सर्विसेज वर्चुअली। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बिकॉज यहाँ पे पहले था कि भाई आप सिर्फ क्लाइंट पेशेंट सॉरी क्लाइंट पार्टनर्स जितने भी लोग हैं वो, एम्प्लॉयज और कस्टमर, अभी कस्टमर के ऊपर भी लॉन्च कर दिया गया। पहले सिर्फ तीन था, क्लाइंट पार्टनर्स एंड एम्प्लॉयज के ऊपर, बट यहाँ पे कस्टमर्स के लिए भी लॉन्च किया, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। आप इसके थ्रू आप कर सकते हो गेम बैंकिंग, ओके। इसको हम लोग KIYA.AI बोलते हैं, ओके, AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन विल प्रेसिडेंशियल पोल बी हेल्ड? राइट आंसर ऑफ 19 इज बी विच इज जुलाई 21। तो प्रेसिडेंशियल पोल मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के परस्पेक्टिव से, ओके, हमारा ही होने वाला है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च द न्यू सीरीज ऑफ कॉइन विथ आज़ादी का अमृत महोत्सव डिज़ाइन? राइट आंसर ऑफ 20 इज सी विच इज नरेंद्र मोदी। तो ये जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है ना, ये विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। वाई? बिकॉज वो इंक्रीज किया गया, ऐसे हल्का सा जो कॉइन होता है इस पर हल्का हल्का उठा हुआ रहता है, तो उसकी वजह से वो लोग समझ जाएंगे कि भाई ये हम लोग 75th मतलब एनिवर्सरी मना रहे हैं अपनी आज़ादी का, तो इस चीज़ के लिए भी है। साथ ही में रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 5, 10 और 20, यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ डिनोमिनेशन का किया है, और इसके ऊपर आज़ादी का अमृत महोत्सव डिज़ाइन बना हुआ है, ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो मतलब कुछ कुछ ब्रांचेस में भेजे गए हैं, आप सर्च करके जाके आप ले सकते हो, ओके। इस कॉइन के लिए मतलब क्यों ये किया गया, सो दैट कि आपको याद रहे हमारा स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, और 75 हमने कैसे कर लिया, कितने अच्छे तरीके से काम किया अपने, हमारा देश कितना आगे गया इस चीज़ के लिए। साथ में लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी कि भाई आप कंट्री के डेवलपमेंट में सहयोग करिए, योगदान दीजिए, ताकि हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।